हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक छोटी सी अपडेट में दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे की। दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे में कुंडली बॉर्डर के पास किसान आंदोलन की वजह से जो मेन रोड को ब्लॉक किया हुआ था उसमें से अभी दो लेन को चालू किया जा चुका है और हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले व्हीकल के लिए एक लेन खोला जा चुका है। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड अभी यहीं पर रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं दो लेन चालू हैं पूरी तरह से। ये मेन रोड चालू ना होने की वजह से बहुत समय से कुंडली बॉर्डर के सर्विस रोड पर जाम लगा रहता था बहुत लंबा। अभी इसकी दो लाइनें खोल दी गई हैं। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।